is South Asian Media Group, Y Media. जम्मू कश्मीर दे विच लगातार हमले जारी ने, जिथे एक तरफ भारतीय फोर्सिस लगातार अटैक कर रही ने, उन्होंने जवान जेडे शहीद हो रहे ने, एक तो बाद एक टेररिस्ट जेडे ने मार गिराए जा रहे ने, लेकिन जिन्ने पहला अटैक्स हुंदे सी उस तो काफी ज्यादा अटैक्स जेडे ने हुण जम्मू कश्मीर दे विच होण लग पए ने। फारूक अब्दुल्ला साहब दा बयान असीं दस दईए कि जे के नैशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला साहब का भी अहम बयान जदों के जम्मू कश्मीर दे विच कई तरह के टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। जरूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं ले जाएगा, आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। पूरे मुस्लिम मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे। प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में भाईचारे में आगे चले। जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमजोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा, आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में भाईचारे में आगे चले। सर जैसा कि सिख संगत की बड़ी देर से मांग है, बस सिख संगत ये मैं मानता हूँ, ये शुक्र है हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी थे और जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम उठाएंगे कि पार्लियामेंट में इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, जबकि पांच जबानों को इन्होंने मान रखा है, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी उर्दू, इंग्लिश और इसलिए और इंग्लिश हम समझते हैं। पंजाबी भी यहाँ बहुत लोग पंजाबी ही करते हैं और इस जबान को, ये हमारी जबान है, कोई बाहर से नहीं आई हुई जबान है, इसको बाहर छोड़ देना गलत है। मैंने भी जब 96 में आया था तो मैंने इन जबानों के लिए तालीम शुरू कर दी थी स्कूलों में कि हमारे बच्चे ये पढ़ सकें, और उनके लिए टीचर तैयार करने की कोशिश करवाई कि हर जबान के टीचर होने चाहिए जो इनको अपनी जबान सिखाए, क्योंकि जबान है तो सब कुछ है। और मुझे याद है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकटा नायडू ये कहते थे, बार बार कहते थे कि मादरी जबान बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मादरी जबान को छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। साउथ एशियन मीडिया ग्रुप, वाई मीडिया।